मनावर मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने एवं गुरुजनों को वरिष्ठता दी जाने के लिए पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा संगठन शाखा ब्लॉक तहसील मनावर द्वारा रैली निकालकर एक ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के नाम अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय पर नायब तहसीलदार सहदेव मौर्य को ज्ञापन सौंपा। संयुक्त मोर्चा के ब्लॉक प्रवक्ता सुरेश पाटीदार ने बताया कि 1 जनवरी 2004 से नियुक्ति होने वाले केंद्रीय कर्मचारियों की पुरानी पेंशन OPS बंद करके नई पेंशन योजना NPS लागू की गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी राज्य के कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी 2005 से पुरानी पेंशन बंद कर नई पेंशन लागू कर दी है, जिसके चलते कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के पश्चात भविष्य अंधकार में हो गया है। ज्ञापन में मांग की गई है कि पेंशन MPS बंद कर पुरानी पेंशन OPS लागू की जाए। मनावर से लोकेंद्र जाधव की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।